हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कुछ टाइम बाद में एक वीडियो आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो मैं ऐसा कहूँगा कि जो सीरियस स्पिरिचुअल सीकर्स है या जो भगवान के प्रति जो गहरी आस्था या गहरी भक्ति रखते हैं, ये वीडियो उनसे रिलेटेड है। तो आज का टॉपिक है कि भगवान के प्रति आप अपना जो अधिकार है या जो भगवान के प्रति आप जो अधिकार आप रखते हो उसे ज़्यादा मत जताइए। आज का टॉपिक ये है। इसके ये कहने के पीछे कुछ वजह है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। कैसा होता है कि जब कोई भक्ति मार्ग में प्रवेश करता है या भक्ति में शुरुआत करता है तो वो एक थॉट या एक विचार लेके चलता है कि भगवान मेरे साथ हमेशा रहेंगे, अवश्य रहेंगे, वो मेरे हर कठिनाई को हर इसमें वो सहायता करेंगे। ये काफ़ी हद तक सच है टू सम एक्सटेंट, बट नॉट ऑलवेज। इसी विचार को जब आप निरंतर आप अपने मन में डालते रहते हो, निरंतर आप इस विचार में रहते हो कि भगवान हमेशा मेरे साथ में रहेंगे, तो एक वक्त ऐसा आता है कि जब आपको लगता है कि मतलब भक्ति में कैसा होता है कि आप एक विचार लेके चल रहे हो कि भगवान आपके साथ हमेशा है, और जब आप भक्ति में जैसे अग्रसर होने लगते हो तो आपको महसूस होगा, लिटरली महसूस होगा कि भगवान आपके साथ है, क्योंकि आपके कुछ हद तक जो हर्डल्स है या जो भी आपकी कठिनाइयाँ हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। लेकिन जब आप ऐसा अनुभव करते हो तो आपके मन में जो विश्वास है भगवान के प्रति कि हाँ भगवान मेरे साथ में है, ये फिर अहंकार का रूप लेने लगते हैं। अहंकार इन द सेंस, आपको लगने लगता है कि अरे भगवान तो साथ में है, तो मैं अब यहाँ पे जब विश्वास की बात जब मैं कर रहा था तो मैं कह रहा था कि भगवान हमेशा मेरे साथ में या भगवान हमेशा आपके साथ है। लेकिन जब अहंकार रूप लेने लगता है तो ऐसी विचार आएगी, ऐसे भावना आएंगे कि ऐसा लगेगा आपको कि मतलब मैं काफ़ी टाइम से भगवान के पीछे लगा हूँ, तो भगवान तो मेरे पीछे मतलब वो मेरी मदद तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन मैं उन तक आसानी से पहुँच सकता हूँ, मैं आसानी से उन तक पहुँच सकता हूँ, उनसे इजीली कनेक्ट हो सकता हूँ, ये चेंज आएगा आपके मनोभावना में या जो आपकी भक्ति है या विचारधारा है भगवान के प्रति, इसमें ये चेंज आएगा। विश्वास ये है कि भगवान मेरे साथ हमेशा है, विश्वास ये है कि वो मुझ तक पहुंच सकते हैं लेकिन मैं उन तक नहीं पहुंच सकता कभी नहीं। भले ही विश्वास में ये कहूँगा कि मैं उनका क्लोजनेस फील कर सकता हूँ भगवान का, लेकिन मैं कभी दावे से कभी भी कहने की जरूरत भी नहीं करूँगा कि मैं उन तक कभी पहुँच सकता हूँ। सो विश्वास में ये है कि हाँ वो मेरे साथ में है, वो मेरे मैं उनका प्रेजेंस फील कर सकता हूँ लेकिन मैं उन तक कभी नहीं पहुँच सकता। सो यही एक दुविधा है, या इसे कहेंगे कि जो परे, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में जो कहा था कि गॉड बियॉन्ड है, इसे ऐसे समझे कि भगवान तो पास में है लेकिन दूर भी है, तो ये विश्वास है। और जब आपके मन में अहंकार आएगा तब आपको लगेगा कि मैं तो इजीली कनेक्ट हो सकता हूँ, ये आपकी फीलिंग चेंज हो जाएगी। तो
आपने थोड़ा बहुत तो एनालाइज कर लिया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि विश्वास में कैसा होता है कि वो आप तक पहुँच सकते हैं लेकिन आप नहीं पहुँच सकते उन तक विश्वास में। लेकिन ये एक धारणा रहेगी विश्वास में, लेकिन अहंकार में क्या होगा, अहंकार में ऐसी भावना है कि मैं तो उन तक कभी भी पहुँच सकता हूँ, कभी भी, जो कि इम्पॉसिबल है। तो ये एक स्पिरिचुअलिटी में नीचे गिराने की एक क्या बोलूँ मैं इसे, ये थॉट को ज़रा आप मन में रखिए, ताकि जो कोई भी स्पिरिचुअलिटी में या भगवान के प्रति बहुत गहरी आस्था या भक्ति रखता हो, तो ये विचार को आप हमेशा मन में रखिए कि जब आप सरेंडर की जो भावना थी, जो समर्पण की जो भावना थी, उसमें यही होता है कि मैं आप तक कभी नहीं पहुंच सकता, लेकिन वो आप पर चौबीसों घंटे क्या, एक एक सेकंड की नज़र वो आप पे, आपकी नज़र नज़र इन द सेंस आपके ऊपर नज़र तो है ही, लेकिन आप क्या सोचते हो, क्या विचार करते हो, सब पे भगवान की नज़र होती है, जो कि आप कभी नहीं कर सकते, वो आप तक पहुँच सकते हैं, ये विश्वास है। लेकिन अहंकार में ऐसा होता है कि मैं तो भगवान तक एनी टाइम पहुंच सकता हूँ, और फिर यहाँ से आपका पतन शुरू होता है। जस्ट ये थोड़ा सा जो मैंने फील किया, मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए, और यही मैंने किया। मैं आशा करता हूँ कि ये जो मैं कह रहा हूँ या जो भी जितने भी मैंने स्पिरिचुअल टॉपिक्स कवर किए आपके काम आए। तो मैं ऐसे ही अलग अलग स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे बात करते रहूँगा, एंड शंखों से रिलेटेड भी मैं बात करते रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा।